आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी आज वाराणसी भी जाएंगे। इससे पहले आज गोरखपुर में सीएम योगी बेलवार मलोनी में तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण, सिंचाई विभाग की खोराबार विकास खंड क्षेत्र की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। सीएम योगी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के झुरिया खजनी गांव भी जाएंगे और जहां उनके बेटे और पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सीएम योगी आज से ही दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे और यहां बीएचयू में बने डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, जहां संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए डीआरडीओ अस्पताल में वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। डीआरडीओ अस्पताल के साथ ही मंडलीय अस्पताल कबीर चोरा और अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तीसरी लहर के मद्देनजर सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देने की भी तैयारी है। रात में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। मंगलवार को कई विकास कार्य और कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। और वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशांत इस वक्त जुड़ गए हैं। विशांत, दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ कार्यक्रम उनका तैयार किया गया है, किस तरीके की तैयारियां, कितने बजे पहुंचेंगे वो? जी, करीब माना जा रहा है शाम चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू में बने जो हेलीपैड है वहां पहुंचेंगे और वहां से सीधा डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्पताल पहुंचेंगे। क्योंकि ये अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब संक्रमण पर काबू पा लिया गया तो जो बचे हुए मरीज थे उन्हें सर सुंदरलाल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था और अब तीसरी जो कि संभावित लहर है उसको देखते हुए बच्चों के लिए जो वार्ड बनाए जा रहे हैं, जो वहां पर वेंटिलेटर सहित वार्ड बनाए जा रहे हैं, उसका निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद वो जो गोदौलिया जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां भी जाएंगे, क्योंकि ये जिले की पहली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही पार्किंग है, तो उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जा सकते हैं। हालांकि पिछले दौरे में भी वो कन्वेंशन सेंटर गए थे, लेकिन चूंकि ये माना जा रहा है कि अभी पीएम मोदी का दौरा हो सकता है वाराणसी में, क्योंकि 50 परियोजनाएं करीब चल रही हैं, उनमें कई योजनाएं महत्वाकांक्षी पीएम मोदी की खुद महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत अहम माना जाता है। और अगर मैं बात करूं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो 1000 से ज्यादा वहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और करीब 65% काम भी पूरा हो गया है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से, आस्था के लिहाज से भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आज बात की जाए तो कॉरिडोर जाएंगे, कॉरिडोर में पूजा अर्चना के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास में ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। और शाम को जो तमाम मंडल के अधिकारी हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल, तो 4 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे और उनका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है वो भी अंतिम दौर में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।